राधे राधे गुरुजी जी, जय श्रीमन्नारायण गुरुजी, जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। हम शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो पिछले आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। हम लोग 3 दिन के लिए आए हैं। मैं तो चाहती थी कि हम आपको दूर से देखें, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि हमने आपको लाइव देखा। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी, और कहती हूँ कि आप बस हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, और मेरे हस्बैंड का कोई क्वेश्चन है वो आपसे करना चाहते हैं। करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हम आपकी जो कथा है डेली सुनते हैं, एक परिवार में मेरे माता पिता हैं, वो भी डेली आपकी कथा का श्रवण करते हैं, और हम आपकी कथा सुन करके बहुत अच्छा लगता है, और साथ में बीच बीच में जो आप पारिवारिक ज्ञान जो देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, हालांकि मैंने बहुत 2-3 विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं, बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हों या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है सर, मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारी काम भगवान करते हैं, कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर, उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है। जी। आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ, तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी। जी। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है, सही है? जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है। जी जी। पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, ये आपकी मर्जी नहीं थी। ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी। ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था, क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया, क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है, आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी, पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है, आपको समझ है कि सही है ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है, आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है, पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा, भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता है ये गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है, मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है, है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है, पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की
गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया, ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया। अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी, सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो उसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है। जी गुरुजी, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी। जी, हमने रामायण सीरियल देखा है टीवी में, ठीक है, उसमें ये दिखाया गया था कि जब राम जी लंका को जीत लेते हैं और माता सीता जी जब अग्नि परीक्षा देती हैं, उसके बाद में राजा दशरथ जी आसमान में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और वो राम जी को बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो भगवान राम वहाँ पे उनसे एक चीज मांगते हैं कि आप मुझे एक वचन दे दो कि आप जो है माता कैकेयी को क्षमा कर दो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि एक विवेक और जो बुद्धि जो दे रखी है वो भगवान ने सभी को दे रखी है, वो माता कैकेयी को भी दे रखी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान उनको क्षमा कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं क्षमा करते। हाँ, करते हैं, आपको भी करते हैं, हमें भी करते हैं। कब करेंगे, जब शरण में। कैकेयी माँ चित्रकूट जब आई थी ना तो उन्होंने क्षमा मांग ली थी राम जी से, आत्मसमर्पण कर दिया था, बेटा अपराध हो गया, राम यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो वचन दो कि अगली बार तुम मेरे पुत्र बन के आओगे। वही कैकेयी माता देवकी बनी और फिर उनके गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरे सामने आके आत्मसमर्पण कर दोगे और मेरे हो जाओगे, मैं भूल जाऊँगा कि तुमने कोई पाप किया है। ये बात लिखी है लिखित में सुनिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन, सन्मुख हो ही मतलब जब मेरे सन्मुख आ जाएगा, समर्पण कर देगा, तो जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप मैं भूल जाऊंगा, ये लिखा है। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने सुना है कि धर्म बहन होती है, लोगों से कहते सुना है कि ये हमारी धर्म बहन है, ठीक है, ये भी सुना है कि ये हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि ये हमारे धर्म पति है, ऐसा क्यों सर? हाँ, पत्नी भी एक ही होती है ना, अब दूसरी पड़ोसन को तो आप कह नहीं सकते कि ये मेरी धर्म पत्नी है। जी। अपनी कोई ना, आप पत्नी कह सकती है मेरा पति है, परमेश्वर है, वहां धर्म तो लगी है, जुड़ी है, कहने की जरूरत नहीं है, है ना। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है, धर्म की माँ बन जाती है, धर्म की बहन बन जाती है, जो बन जाती हैं वो बन जाते हैं। अब सबको आप कैसे अपना बना सकते हैं, बना सकते हैं, पर सबको धर्म पति कैसे बनेगा। कोई पति व्रता नारी है ना, एक पति के सेवा एक पुरुष के सेवा पर आए इस पुरुष पर नज़र जाएगी तो समाज उसे कुलटा कहेगा, चरित्रहीन कहेगा, शूप नखा गई थी तो उसकी नाक कान भंग हो गई। केवल ये धर्म नारी का नहीं है, पुरुष का भी है। नारी का धर्म है कि वो अपने पति को ही परमेश्वर माने, और पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी की सेवा पराई नारी को माँ बहन और बेटी के रूप में ही देखे, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो।